अगर मैं बात करूँ, अगर हमारा एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और फिर टर्न कर रहा है, मतलब इट इज़ गोइंग लाइक दिस, यहाँ पे वो स्ट्रेट चल रहा है फिर वापस टर्न कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा एवरेज स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी वेलोसिटी से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे उसने स्टार्ट करा यहाँ पे वो वापस आ रहा है ना, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। अगर हम बात करें यूनिडायरेक्शनल मोशन में मोशन जा रहा है, तो फिर स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट टोटल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला हो गया ऑफ एवरेज या फिर एवरेज वेलोसिटी का। अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं कि एक पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे ये दे रखा है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो हमें x गिवेन है, और अगर dx बाय dt से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट 60 + 6, फिर अगर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे तो 6 × 4 + 6, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 की वैल्यू, तो वेलोसिटी जो है वो 30 आ गई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय।